गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ बुक देखिए। मैथ बुक में मैंने क्या पढ़ाए थे, सारा चीज पढ़ाई थी। देखो, बिग स्मॉल बी, लॉन्ग शॉर्ट, हैप्पी लाइफ, टॉल शॉर्ट, मैनी फ्यू, है ना। समझाई थी, इन आउट, सेम डिफरेंट, ये भी समझाई थी। और इक्वल, जैसे बराबर, दो और दो को मिलाएंगे, चार और चार को मिलाएंगे, तीन और तीन को मिलाएंगे, छः और छः को मिलाएंगे, आठ और आठ को मिलाएंगे, ये हो गया इक्वल, है ना, बराबर की संख्या। उसके बाद वन से टेन तक मैंने पढ़ाए थे, है ना। बुक भी देखो, ये वाली बुक मैंने भराई थी। बुक पेज नंबर कितना है, इलेवन। मैंने कहा था मेरे पास सेंड करना, फोटो खींच के भेजना। और 11 से 20 भी मैंने बुक भरवा दी थी, है ना। मैंने कहा ऐसे देख के बुक भर लेना और मेरे पास सेंड करना। और कल मैंने बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टी गिनती, है ना, ये भी मैंने आप लोग को बताई थी कैसे भरना। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग 20 से 1, ये भी मैंने समझाई थी और कैसे भरना ये भी बताई थी, है ना। 20 से 1 बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टी गिनती। आज हम क्या करेंगे, देखो, राइट द मिसिंग नंबर्स 1 से 20, है ना। तो 1 से 20 तक हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर है, कुछ नंबर दे रखा है, उसके बाद हम जो नंबर है हम लिखेंगे, है ना। ये जो बॉक्स है, बॉक्स में हम लिखेंगे, है ना। देखो बच्चे, ये क्या है, 1 है ना। उसके बाद 3 लिखा है, यानी 1 के बाद 2 हम लिखेंगे, जैसे ये 10 है और ये 1 है। ओके बच्चे, ये 10 जो है, टी है 10 है, ओ है 1 है, यानी 1 है, उसका 10 है ही नहीं, तो इसीलिए ये 1 के घर पे लिखा हुआ है ना। उस तरह हम 2 लिखेंगे, 2 तो सिर्फ एक संख्या है, ये हम 2 लिखेंगे, यानी उसका 10 है ही नहीं, है ना। उस तरह 3 भी है, 3 का 10 है ही नहीं, है ना, तो इसलिए वो 1 के घर पे लिखा हुआ है ना, 1 के बॉक्स पे लिखा हुआ है। 3 के बाद बच्चे क्या आएगा बताइए, 3 के बाद आएगा 4, इसका 10 है ही नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे 10 बॉक्स में, तो 1 बॉक्स में हम लिखेंगे क्या, 4। ओके बच्चे, 4। उसके बाद 5 लिखा हुआ है ना, हम लिखने का जरूरत नहीं, है ना। उसके बाद आएंगे इस पे, 5 के बाद आएगा, देखो ये फिर 7 लिखा है ना, तो 7 लिखा है, तो 7 से पहले 5 के बाद हम 6 लिखेंगे, तो 6 देखो बच्चे, 10 नहीं है, 6 एक संख्या है, तो इसका 10 है ही नहीं, है ना, तो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, है ना। इसमें देखो, इस बॉक्स में हम 6 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 7 तो लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं, है ना बच्चे। उसके बाद 7 के बाद देखो 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 से पहले क्या, 7 के बाद 8 आएगा, 8 नहीं है, 7 और 9 के बीच में 8 आएगा ना, तो 8 है नहीं यहाँ, तो हम लिखेंगे क्या, 8। 8 एक संख्या है ना, उसका 10 है नहीं, तो 10 बॉक्स में नहीं लिखेंगे, तो 1 बॉक्स में हम लिखेंगे क्या, 8, है ना। उसके बाद 9 हो गया, 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, 8 आएगा, 8 हो गया ना, तो उसके बाद हम 9 है, 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ 11 लिखा है, 9 के बाद 10 आएगा ना, तो 10 लिखा नहीं है, यानी 10 दो संख्या, 1 और 0 मिला के 10 होगा, उसका 10 है ना, तो 10 में लिखेंगे 1, 1 में लिखेंगे 0, ये हो गया 10, 1 0 10, है ना, दो संख्या है, 1 एक संख्या, 0 एक संख्या, मिला के हो गया 10, 10 की घर पे 1 और 1 की घर पे 0, है ना। उसके बाद 11 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, उसके बाद 11 के बाद 13 लिखा है, अच्छा 11 और 13 उसका बिटवीन नंबर, बीच की संख्या क्या होगा, 11 के बाद 12, है ना, तो हम 12 लिखेंगे, 12 दो संख्या है, 1 और 2, है ना, तो 10 के घर में लिखेंगे 1 और 1 के घर पे लिखेंगे 2, ये हो गया 12, है ना। उसके बाद 13 तो लिखा हुआ है,
13 के बाद बच्चे क्या आएगा 14 लिखेंगे, है ना, 14 है ही नहीं यहाँ, तो हम लिखेंगे 14। 14 क्या दो संख्या का है, 1 और 4। हाँ हम लिखेंगे टेंस के बक्सा में लिखेंगे 1, वन्स के बक्सा में लिखेंगे 4, ये हो गया 14, है ना। 14 के बाद बच्चे देखो क्या लिखेंगे, 14 के बाद 15 है नहीं, हाँ ये बक्सा में लिखेंगे 15। 15 दो संख्या का है, 1 और 5, यानी देखो टी मीन्स टेंस, टेंस में लिखेंगे 1 और वन्स की बक्सा में लिखेंगे 5, ये हो गया 15, है ना। 15 के बाद देखो बच्चे लिखा हुआ है बुक में 17, यानी 15 और 17 के बीच में बिटवीन नंबर में क्या आएगा 16 आएगा, है ना, क्या आएगा 16। 16 दो संख्या का है ना बच्चे, 1 और 6 16, तो देखो टेंस में लिखेंगे 1, वन्स में लिखेंगे 6, ये हो गया 16। 16 के बाद 17 तो लिखा हुआ है, हम लिखने का जरूरत नहीं है, तो उसके बाद 17 और 19 ये दोनों के बीच में देखो 17 और 19 के बीच में बिटवीन नंबर क्या आएगा 18, क्या आएगा 18। 18 दो संख्या है बच्चों, 1 और 8, है ना, 1 टेंस की बक्सा में 1 और वन्स की बक्सा में 8, ये हो गया 18, है ना। उसके बाद 19 लिखा हुआ है, अच्छा 19 के बाद ये तो 20 तक हम लिखना होगा ना, तो 19 के बाद 20 आएगा, 20 दो संख्या का है, देखो बच्चे 20 दो संख्या का है, 2 और 0, है ना, तो टेंस में हम लिखेंगे 2 और वन्स में लिखेंगे 0, ये हो गया 20, है ना बच्चे। फिर एक बार देखिए बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दो संख्या है ना, टेंस और वन्स, यहाँ से टेंस और वन्स लिखना शुरू है ना। उसके बाद 11 देखो, टेंस और वन्स दो बक्सा में है ना। उसके बाद 12, टेंस और वन्स, है ना, 12। 13, टेंस और वन्स, 1 और 3, 13। 1 और 4, 15। 1 और 5, 15। 1 और 6, 16। 1 और 7, 17। 1 और 8, 18। 1 और 9, 19। 2, 0, 20, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आप लोग ये वाली बुक जो मैथ वाली बुक है, ये जो पेज नंबर कितना है बच्चों, 16 है पेज नंबर, है ना। नीचे वाला फिर दोबारा दूसरा दिन समझाऊंगी, आप लोग सिर्फ इसको भरना और कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करना, या तो फिर मंडे को ले आना, मैं चेक करूंगी। ठीक है बच्चा, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है बच्चा, ओके बच्चे, थैंक यू।